ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ करोगे? या अपनी बीवी और बेटियों को हाथ से निकलता हुआ देखते रहोगे? क्या करूं? क्या करूं पापा? मेरे बेटे के साथ दो बोल पढ़वा दो, बाकी शिराज खुद संभाल लेगा। तुम अपना सामान बांध लो, तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरे पापा को मेरी जरूरत है। अम्मी, मरियम का फोन है। अच्छा, देखो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हरीन? मैं बस ठीक हूँ। अम्मी आपको बहुत याद कर रही थी। मैं भी तुम लोगों के बारे में सोच रही थी। क्या कर रही हैं अम्मी? अम्मी बस मेरी तरफ देख रही हैं और चाह रही हैं कि मैं बस उनको फोन दे दूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से पहुँच गई थी? हाँ हाँ, मैं खैरियत से पहुँच गई थी। अम्मी, जब से आप मिलकर गई हैं, दिल पर एक बोझ है। मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकती। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तुम्हारी वफा पे नाज है। आप कैसी तबीयत है उनकी? कैसी होगी तबीयत? बस आप प्लीज बाबा के लिए दुआ कीजिए। हाँ बेटा जरूर। शख्स के लिए तो जितनी भी दुआ की जाए कम है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाबी दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया तुम्हारे सर पे हमेशा सलामत रखे। आमीन। घर पे सब ठीक है? हाँ ठीक ही है। तुम मेरे साथ घर वापस नहीं आई तो तुम्हारे बाबा और तुम्हारे अब्बू और उप्पो को मौका मिल गया था ये कहने का कि हमारी कहानी झूठी। आप एक काम करें, आप कल मेरे पास हॉस्पिटल आएं, इन सबको अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ हाँ बेटा जरूर आऊंगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। आप भी, खुदा हाफिज़। वो महारानी फिर घर पर नहीं है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ वसीम। आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हरीन, बेटा बहन के लिए पानी लेकर आओ। वसीम, आप प्लीज बैठिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये सब कुछ हो क्या रहा है इस घर में? कोई कोई बताएगा मुझे? कोई और तुम क्यों खामोश हो वसीम? तुम्हारे होंठ क्या सिल गए हैं? मेरी बात सुने, आप मुझसे बड़ी हैं, रिश्ते में भी मेरी फुफ्फो हैं, और मेरे बाबा ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं बड़ों से बदतमीजी करूं, तो इसलिए प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें। ये हमारा फैमिली मैटर है, अच्छा होगा अगर इसमें आप ना बोलें। हाँ हकीकत क्या है ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ से चली जाएँ। इनफैक्ट यहीं बैठें और हकीकत का सामना करें। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कहोगी चले जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी? गलत फहमी है तुम्हारी बीबी।
सुनाओ क्या कहानी घड़ी, सुनाओ सबको। कसीम साहब, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपकी बेटी हूँ? मैंने तो सुना था कि खून के रिश्तों में बड़ी कशिश होती है। इंसानी अकल जज्बात पर और जज्बात अकल पर अक्सर हावी हो जाती है। मेरी माँ, बहनें शायद इस वक्त जज्बाती हो रही हैं, लेकिन आप और आपकी बहन, आप लोग तो अकल वाले लोग हैं ना, और अकल वाले लोग तो सबूत मांगते हैं। सबूत है मेरे पास, ये चेन जो आपने अम्मी को बनवा कर दी थी, अम्मी ने उस नर्स को दे दी थी जो उस रात अस्पताल से मुझे ले गई थी, क्योंकि आपको बेटियां पसंद नहीं ना थी, लेकिन शायद आप मुझे मरवा देते। वो नर्स आज भी जिंदा है। उस आप लोगों को ढूंढते ढूंढते उस नर्स के पते तक पहुंची मैं, और वहीं से मुझे ये चेन और आप लोगों का पता मिला। मुझे तो लगा था कि मैं बिछड़ी हुई हूं। मेरा बाप जैसे ही मुझे मिलेगा मुझे अपने गले से लगा लेगा, लेकिन लेकिन मैं गलत थी। वाह, क्या कहानी बनाई है। ये चेन तो गुम गई थी। मैं क्या कहती आपसे, मुझे उस वक्त यही बेहतर लगा था। फूफा, आपको सबूत चाहिए था ना, ये देखें, ये डीएनए की रिपोर्ट, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे आपको, लीजिए। आ गई मेरी बेटी। जी बाबा, वो थोड़ी देर के लिए आज हॉस्पिटल गई थी और वहां से फिर अपनी माँ के पास।
चलो अच्छा किया कि चक्कर लगा आंटी। वहां से फिर सीधा यहाँ आ गई। दरअसल वसीम साहब ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ। आज तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। फिर मैं तो यकीन आ गया होगा। यकीन भी आ गया और शायद अपनी गलती का एहसास भी हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो उन्होंने तुम्हें गले से भी लगा लिया होगा। वो तो मुझसे आंख भी नहीं मिला पा रहे बाबा। कोई नहीं, खून खून होता है, खींच ही लेता है। अब बताओ कब जा रही हो अपने घर? अपने घर? ये मेरा घर है बाबा, मेरा घर वो है जहां पर आप हैं। नहीं बेटा, घर वहां होता है जमा होती है। अच्छा तो फिर मैं आज तक कहां पली हूं? मुझे तो मेरी माँ ने नहीं पाला, मुझे तो आपने पाला है। मेरी माँ और मेरे बाप दोनों आप हैं बाबा, और आप क्या मुझे यहां से जाने का कहते रहते हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, कभी भी नहीं जा रही। अच्छा चले बाहर चलते हैं, थोड़ी देर वॉक करेंगे तो आपका दिल भी बहल जाएगा। नहीं बेटा, मुझसे चला नहीं जाएगा। बाबा आपको याद है बचपन में मैं जब छोटी थी चल नहीं सकती थी तो आप अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाते थे। मुझे कभी गिरने नहीं दिया आपने, मैं भी आपको गिरने नहीं दूंगी बाबा। I promise. I love you. Thanks. शाम होने वाली है, फिर चलते हैं। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी इसने फिर से मारा है मुझे, घर से निकाल दिया है। किस वजह से इस जाहिल ने तुम्हें मारा है? वजह की जरूरत नहीं है इसे, जब दिल चाहे तब हाथ उठाता है। हम लावारिस है ना मम्मी? नहीं मेरा बच्चा, किसने कह दिया तुमसे ये? इसीलिए हमेशा मारता है। वो जानता है कि अब्बू अब्बू हमारी नहीं सुनते हैं। नहीं बेटा, तुम मेरे पास आ गई हो ना, मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। अब्बू को पता चलेगा तो मेरा ही कसूर निकालेंगे और मारेंगे मुझे। अब्बू वो मैं बस ऐसे ही अम्मी से मिलने आई थी, मैं जा ही रही थी। क्यों मारूंगा तुझे मैं? क्यों मारूंगा? मेरी बेटी है ना तू, क्यों मारूंगा? कोई
कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी तेरा बाप जिंदा है। बस बस, तूने जितना रोना था तूने रो लिया, अब और नहीं रोएगी तू। इसको खाना दो, आओ। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? है हटो, मेरी बात तो सुने। सुन तो, तुम्हें पता है कि मैं मामू के कान भर कर तुम्हारी बिठाई करवा सकता हूँ, है ना? अच्छा, डर क्यों रही हो? रुको तो सही, समझ नहीं आ रही है तुम्हें मेरी बात? हाँ, तो मेरी बात सुनो शिराज। मामू, मामू, ये मुझे मोमानी के कहने पे तंग कर रही थी। ये चाह रही है कि मैं बदनाम हो जाऊं और मेरी शादी हरीम से ना हो। बताते हैं तुम्हें, आ गए। मामू इसको देखें जरा। मामू, मामू ये चुप चुप, बकवास बंद कर। बेटों की तरह पाला है तुझे, नमक हराम आस्तीन का सांप निकला तू। दफा हो जाओ मेरे घर से। ये इसकी निकल, इसकी ड्रामेबाजियां मैं बता रहा हूं, ये मोमानी ने इसको निकल मेरे घर से। मामू चल, जान से मार दूंगा तुझे हरामजादे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया वसीम, क्या कर दिया? बस बिल्कुल चुप। जिंदगी जहन्नम बना के रख दिया आपने मेरी। क्या क्या नहीं किया मैंने आपा तुम्हारे लिए, तुमने और तुम्हारे बेटे ने जहन्नम बना दी है मेरी जिंदगी, मेरी बेटियों की जिंदगी जहन्नम बना दी है। इस बेगैरत ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कोई गलत फहमी हुई होगी ना वसीम? अब बस आपा, मां का रुतबा दिया था मैंने तुम्हें, समझा सकती थी तुम, समझा सकती थी मुझे कि ये मेरी फूल जैसी बेटियां मेरी दुश्मन नहीं है। मेरी सारी जिंदगी नफरत की आग में गुजर गई। और पता है आग लगाई किसने थी? तुमने, तुमने लगाई और बुझने भी नहीं दी। निकल जाओ, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। हाँ, हम कहाँ जाएंगे वसीम? और बर्दाश्त नहीं होंगे तुम लोग के मनहूस चेहरे मुझसे। ऐसा तो ना कह वसीम, मुझे माफ कर दे आप और एक आखिरी एहसान कर दे मुझ पे। इस मनहूस को पकड़ और मेरे घर से चली जा, चली जा। नहीं वसीम, पापा को आप इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते, वो किसी की बेटी है ना। ये गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, इनका कसूर नहीं है, सारा कसूर इसका है। पापा आप कहीं नहीं जाएंगे, कसूर इसका है तो सजा इसी को मिलनी चाहिए ना। ये जाएगा यहां से।
दे निगाह तेरी रहमतें तेरी सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी मैं इनायतें। लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु, लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु, तेरी रजा के बिना भला कुछ भी हो कैसे शुरू। बाप मर गया, मर गई मेरी मां, मुझे बता मैं इसलिए मर गई। गुरु मुझे तो आपके बगैर चलना भी नहीं आता, मुझे पीछे ठंडे खाने के लिए छोड़ के चले गए। गुरु आपको देखे बिना तो मेरी सुबह भी नहीं होती, अब मैं क्या करूंगी। देखे गुरु आपकी सुरैया रो रही है, रो रही है, आपकी सुरैया उठ जाए, उठे ना गुरु। आपकी मरियम भी रो रही है, आप तो नहीं चाहते थे ना कि मरियम कभी रोए, और आप ही उसे रुला के जा रहे। उठ जाए गुरु, उठ जाए खुदा के वास्ते।
करूं? निगाह तेरी रहमतें तेरी सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी इनायतें। लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु, लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु। तेरी रजा के बिना कुछ भी हो कैसे शुरू। मैं तब गुरु मैं तब गुरु के बिना भला कोई।
जिंदगी एक बड़ी अजीब सी कहानी है, इसमें कुछ भी यकीनी नहीं है। यकीन से परे इस दास्तां का नाम ही जिंदगी है। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को तखलीक किया, किसी को मुझ जैसा बनाया, किसी को आप जैसा बनाया, लेकिन किसी को भी बेमकसद नहीं बनाया। हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई मकसद है, और इस मकसद को झुठलाने वाले दुनिया के वजूद से ही मिट जाते हैं। ख्वाजा सरा, इनको भी तो अल्लाह ताला ही बनाता है, और लोग इनको नकारा समझते हैं, जबकि ये तो सबसे हसास लोग होते हैं, नरम मिजाज ऐसे कि मोम से भी ज्यादा नरम, और जब कोई इरादा कर ले तो वो चट्टान से भी ज्यादा सख्त। मैं आज जो कुछ भी हूं, मेरे बाबा गुरु सत्तार के मजबूत इरादों की वजह से हूं। मैं तो सड़क पे पड़ी हुई एक बच्ची थी, एक दिन की बच्ची को उन्होंने डॉक्टर बना दिया। ऐसी बेलौस मोहब्बत कौन कर सकता है किसी से? यकीनन आपके माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम भी अपनी सोच को बदलें, जैसे मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी बदल डाली। आज सलमान चाचा की सरबराही में हम लोग गुरु सितार मेमोरियल ट्रस्ट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर ख्वाजा सराहों को जिंदगी के मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे, और गुरु सितार की याद में लावारिस बच्चे और बच्चियों की परवरिश की जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा लावारिस ना रह जाए। सबको गुरु सितार की शफकत भरी गोद जरूर मिलनी चाहिए। गुरु सितार एक फर्द का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है, मोहब्बत, शफकत और मजबूत इरादे की सोच। निगाह तेरी, रहमतें तेरी, सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी इनायतें। लाज रखना